अस्सलाम वालेकुम, आइए माइज अली। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर मास की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, चंद एक एग्जांपल्स देखेंगे और चंद एक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करके देखेंगे किस तरह हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस पे आ जाए कि मॉलिक्यूलर मास की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए, जितने भी आपके इस चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है कि आपको मोल्स डिटरमिन करने पड़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिटरमिन करने पड़ जाते हैं। जब ये वाली चीजें डिटरमिन करनी पड़ती हैं तो हमें वहां पे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ जाती है। अब मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, किस तरह डिटरमिन करते हैं, सही है, ये सारी के सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो चीज आज हमने डिस्कस करनी है वो है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, हमने ना एक बात की थी एटॉमिक मास, उसमें हमने एक बात कही थी कि एटॉमिक मास का मतलब ये है कि एटम का मास, जिस तरह मैं कहता हूं ह्यूमन मास, इंसान का वजन, एटॉमिक मास एटम का वजन, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का वजन। अब ये बात याद रखिएगा, एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। आपने जब मॉलिक्यूल हम ऐसे डेफिनेशन कर चुके हैं, सही है। अब यहां पे अगर मॉलिक्यूल बनाना चाहता है, ये कहता है मेरे पास ये ऑक्सीजन एटम है, ये वाली चीज एटम है, ये हमारे पास क्या है ऑक्सीजन एटम है, और ये हमारे पास दो स्मॉल साइज में हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ये बात याद रखो, ये वाली चीज है एटम है। और इनका जो मास होगा, इसका मास एटॉमिक मास है, इसका मास भी एटॉमिक मास होगा, इसका मास भी एटॉमिक मास होगा। अब जब ये चीजें आपस में मिल जाती है, मिलने के बाद हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होता है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं और इस चीज को हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, इस चीज को मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसका जो मास होगा उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, इसका जो मास होगा उसको मॉलिक्यूलर मास, और जो एटम का मास होता है एटॉमिक मास। अब इतनी सी कॉमन सेंस हर एक के अंदर होती है कि अगर आपके पास दो तीन चीजें बता दूं, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, तो ओवरऑल मास किस तरह निकाला जा सकता है। आगे सिंपल बात है, आप तीनों के मास को जमा कर दें, तीन है चार है जितने भी हैं, आप उन सब के मास को जमा करें, आपके पास ओवरऑल मास आ जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल बात है। अब यहां पे भी कुछ यही काम करते हैं कि हमारे पास मैंने ये एक एग्जाम्पल दी है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल ये बात याद रखिए कि एटम के मिलने से बनता है, दो एटम मिल जाए, तीन चार पांच छह सात दस जितने भी एटम्स मिल जाए, उन एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर आप मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं तो आपने सिंपल काम ये करना है, जितने भी एटम का मास होगा उन सबको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जिस तरह यहां पर देखें दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, इन तीनों के मास का टोटल जो सम होगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, जो बात हमने ऊपर कही है वही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इसकी है द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मैसेज, ऑल द एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज का सम, प्रेजेंट ऑफ एटम्स, प्रेजेंट जो के मौजूद हो, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल मौजूद हो, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। कहते अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सम करते हैं, सम कहते हैं मजमुआ, जमा कर देना जितने भी एटॉमिक मैसेज है एटम के,
उन सबको जमा करते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद आ जाए एग्जाम्पल्स में, चांद के लिख देते हैं, बाद में चांद एक प्रैक्टिस करके भी निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है वाटर की। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है इज 18 ग्राम या फिर 18 AMU आएगा, सही हो गया। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास आता है 32 AMU। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू भी है इसी तरह का, बहुत सारे बच्चे इसको गलत लगा देते हैं। वो ये कहता है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, पानी के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। जब एक मॉलिक्यूल का पूछा है तो 18 AMU आएगा, और वहां जो एक्सरसाइज में एमसीक्यू है वहां मैक्सिमम बच्चे गलत लगा के बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, 18 ग्राम वाला लगा देते हैं। 18 ग्राम पानी का मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का नहीं है, ये बात आपने जहन में रखनी है, सही। एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, सही है। अगर आप इसकी जगह मॉलर मास इस्तेमाल करें वर्ड, तो यहां पे मॉलर मास के लिए जब आप करेंगे तो यहां पे ग्राम लगाना पड़ेगा, वो भी देख लेंगे कब मॉलर मास यूज करना है, कब मॉलिक्यूलर मास यूज करना है। सो ये सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम चांदी के एलिमेंट का लेके उनका निकालने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये आपके बुक के अंदर भी एग्जांपल्स दी गई है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके या सॉल्यूशन जो भी आप देना चाहते हैं वो देने हेडिंग एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास किस चीज का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं। आप इसका किस तरह मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे, हमें ऊपर हमें एक चीज पता है, इसके अंदर जितने भी आइटम देखें, एक हाइड्रोजन का आइटम है, एक नाइट्रोजन का आइटम है, तीन ऑक्सीजन के आइटम है। अब इन सब एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर दे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सिंपल सी बात मैंने ऊपर लिखी हुई है कि जितने भी एटॉमिक मैसेज हैं इसके अंदर एटम, उनके साथ के एटॉमिक मैसेज को जमा करें, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सबसे पहली बात ये कि आपको जितने भी एटम्स इसमें दिए गए हैं उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर हम जाए एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास वाला टॉपिक किया था, तो वहां पर मैंने हर एक एलिमेंट का जो कॉमनली यूज होते हैं वहां मैंने सबके सब एलिमेंट का एटॉमिक मास बता दिया था। इसको कॉमनली याद कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी लाइफ में यूज होंगे। वो 8 या 9 थे, 8 या 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास आपने जुबानी याद रखा था। अच्छा चलो, ये बात हो गई। अब यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, बारी बारी सबका लिखते हैं। मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 मालूम करना चाहता हूं। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर देखा जाए तो इसका होता है 1। सेम इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ नेक्स्ट है नाइट्रोजन का होता है 14। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का होता है 16। चलिए जी, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब मैंने जितने भी एटम्स हैं इन सब का एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं इस मॉलिक्यूल में फिट करके। चलिए, सबसे पहले आपने काम ये करना है, यहां पर देखना हाइड्रोजन कितना है। मैंने देखा यहां पे हाइड्रोजन 1 ही है, मैं यहां पे 1 लिखूंगा। 1 लिखने के बाद यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इसका फॉर्मूला बनाने लगे हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे देखना है हाइड्रोजन कितना है। मैंने देखा यहां पे हाइड्रोजन 1 है, यहां पे आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, एटॉमिक मास अगर पूरा वर्ड नहीं लिखना चाहते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इसकी जगह पर सिंपल ए लिख सकते हैं। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आप पूरा का पूरा वर्ड लिखना चाहते हैं कि मैं एटॉमिक मास बार बार लिखूंगा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप सिंपल ए लिखें। सही, अब जब एक एटम से दूसरे एटम पे जाने आपने दरमियान में प्लस की लामत लगा देंगे,
ये प्लस लगा दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, देखे नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने है? तीन है। यहां पे आपने सबसे पहले तीन लिखना है, इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चले जी, एटॉमिक मास मेरे पास हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, मैंने ये क्या करना है इस सिंपल फॉर्मूले में आपको पुट करना है, पुट करके निकालने की कोशिश करता हूं। मेरे पास सबसे पहले वन आएगा, वन आ गया। अब इसमें नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर देखिए हाइड्रोजन का वन, वन से मल्टीप्लाई, प्लस का निशान, नेक्स्ट वन, इसको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 14 है, हमारे पास 14 है, प्लस इसके बाद तीन आएगा, तीन क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद तीन है, और इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 1 प्लस 14 प्लस 6 तीन बार 18, 3 एक बार 3 और 1 4, 14 है, सही हो गया। इसको ऐड कर रहे हैं 12 और 1 13, 4 5 6 63 amu इसका एटॉमिक मास है HNO3 का 63 amu एटॉमिक मास। इसी तरह मैं सिंपल सिंपल डायरेक्ट ही कर दूंगा, इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। मैं H2SO4 का मालूम करना चाहता हूं, H2SO4 का। अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, सही हो गया। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, दूसरे एलिमेंट पे जाना है तो आपने दरमियान में प्लस की नाम लगा देनी है, ये प्लस लगा दिया। सल्फर देखा मैंने 1 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, जो है नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहा है तो प्लस की नाम लगा देगी। इसके बाद ऑक्सीजन मैंने देखे 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास, ये मेरे पास 2 प्लस 32 प्लस 64, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 64 बन जाएगा। अब इनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद 4 5 6 7 8 6 3 9 98 amu सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक मास है। ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कर लिया हमने, सही था कि हम पर चल जाएगा एटॉमिक मास किस तरह डिटरमिन करते हैं, ये आपके जाके न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी सी, किस तरह मालूम करते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आपने जितने भी एटम्स होंगे उसका एटॉमिक मास बताओ और उन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपने जमा कर दिया, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यही था आज के लेक्चर में, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फॉर्मूला मास देखेंगे कि फॉर्मूला मास किसके लिए होता है, उसको किस तरह मालूम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गौम याद रखिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट लेना।